मैं बहुत एक अपने आप को कहूंगी कि पहली बार मुझे जो हमारे महासचिव महोदय ने मुझे मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ सर आपका। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शायद इसके विषय में इतने विस्तार से अभी चर्चा नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं कुछ मोटे मोटे तथ्यों की ओर आपका ध्यान करवाना चाहती हूँ, आकर्षित करना चाहूँगी कि प्राइवेटाइजेशन आखिर हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो एक सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री से तात्पर्य है कि हम अपनी सेवाएं तो देते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इस देश के विकास में भी अपना योगदान देते हैं क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री है। वो अन्य दूसरी संस्थाएं जो हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो शायद सिर्फ एक पक्ष में अपना काम कर पाते हो, लेकिन हम एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सर्विस के साथ 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 देश की प्रगति में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एविएशन सेक्टर है जहाँ पर इतना ज़्यादा मूवमेंट होता है कि उसकी प्रगति होने से देश की इकोनॉमी में भी उसका असर पड़ता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर होने के नाते जब हम अपनी सेवाएं देते हैं तो हम अधिक से अधिक अपनी संस्था के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, इनको बेच देते हैं, तो उनका ध्येय सिर्फ पैसा रह जाता है, पैसे से अधिक उनके कोई और महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं रह जाती हैं। पैसे का ध्येय होने के कारण क्योंकि वो उससे आगे नहीं सोच पाते हैं। अगर उनका प्राइवेटाइजेशन करने का मेन मुद्दा है तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ क्यों नहीं वो ऐसे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को उठाते और उनको प्रगति करते, उनको क्यों नहीं प्राइवेटाइज करते और क्यों नहीं वहाँ के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराते? क्या आपको नहीं लगता कि पैसा जो है इसमें मुख्य भूमिका निभाता है? तो ये पैसे की वजह से ही सारी चीजें होती हैं। मैं हमारे मंच पर विराजमान जितने भी हमारे सदस्य वरिष्ठ हैं और हमारे जो महासचिव से भी मैं अनुरोध करूंगी कि आप जोरदार कोशिश कीजिए सर कि अगर आपको प्राइवेटाइज करना ही है, हमारे मैनेजमेंट से ये दरख्वास्त करें, आप करना ही चाहते हो प्राइवेटाइज तो कीजिए, लेकिन उन एयरपोर्ट को कीजिए जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे लोगों के पास आम सुविधाएं नहीं है, वहां से विकास हो। अगर विकास का मुद्दा है तो भी वहीं से ही होना चाहिए। मैं इस बात पर आप सबके एक बार जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगी। क्या ये गलत है या सही है आप मुझे बताइए। दूसरी बात, अगर क्योंकि हम ऐसी इंडस्ट्री हैं, हमारी इससे ओवर आप जैसे जानते हैं कि इस समय वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। हर रोज आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि उसकी ग्रोथ दिखाई जाती है कि आज 5 से 7 से 5 आ गई है, 5 से नीचे आ गई है। जब हम ऐसे संस्था हैं जहां से हम प्रॉफिट दे सकते हैं और दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, आज तक अपनी ड्यूटीज़ को करते हैं, तभी तो आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, तभी तो हम इतना जो हमारा विस्तार हुआ है वो हमारी सेवाएं से हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर की वजह से। अगर पहले प्राइवेटाइज हो जाता तो आपको लगता है कि जो मेरे इतने भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे साथीगण जो बैठे हुए हैं, क्या उनकी नौकरियाँ जो जितने लोगों की चली गई हैं पीछे, आपने देखा होगा जैसे कि मुझसे पहले वाली जो वक्ता आई थी उन्होंने भी आपको इस बारे में थोड़ा सा आपका ध्यान खींचने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं इसका असर हमारे ऊपर ही आता है। अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो भी हमारी एक प्राइवेट सेक्टर जब पैसे को मुख्य रखता है तो एक आदमी छटनी तो करनी ही होती है, छटनी की जाएगी, एक आदमी का 3-3 आदमियों को काम एक आदमी से करवाया जाएगा जिसका असर हमारे परिवारों पर, हमारे अपनी मानसिक स्थिति पर, वर्किंग कंडीशन हार्ड हो जाएंगी और भी बहुत सारी ऐसे माहौल बन जाता है कि आप चाहते हुए भी अपने आप को शांत नहीं रख पाते हैं, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर, आपके परिवार पर, अल्टीमेटली आपके समाज पर भी पड़ता है। तो मैं इसके बहुत ही विरोध में हूँ और मैं हमारे महासचिव महोदय से फिर एक बार पुनः अनुरोध करूंगी कि सर आप मैनेजमेंट के साथ इतनी सशक्त तरीके से इसको इसके बारे में फाइट कीजिए। हम सब आपके साथ हैं। फिर से एक बार नारा लगाएंगे जोरदार तरीके से, वर्कर्स यूनिटी, वर्कर्स यूनिटी, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। एक 2-3 और मुद्दे मैं आपसे शेयर करना चाहती थी लेकिन मैंने जैसे ही आपको बताया कि मैं तैयार नहीं हूँ,
क्योंकि मुझे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ऐसा कहा गया कि आपको भी कुछ बोलना है, और इतने महानुभावों के सामने तो मैं कहीं स्टैंड भी नहीं करती हूँ। सभी मुद्दे आपसे डिस्कस हुए हैं, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने आपसे डिस्कस किया है कि क्या हम सिर्फ ये सोच के अगर ऐसा होगा, प्राइवेटाइज हो जाते हैं जो एयरपोर्ट जो ऑलरेडी पहले भी हुए हैं, हमारे मेरे जीएमआर के जो वहाँ के साथीगण आए थे वहाँ से उस दिल्ली के प्राइवेटाइज होने के बाद, कैसे लोगों को बाहर भेजा गया, कैसे उनकी परिवार उनके सब कुछ डिस्टर्ब हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका असर हम पर आया ही है। मैं बहुत अधिक ना कहते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और आप सबका धन्यवाद कि आप इस सभा में यहाँ एकत्रित हुए, आप अपना सहयोग अपनी सहमति दर्ज कराए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।